देखिए, सबसे जो बड़ी चीज़ नज़र आई कि एक टीम नज़र आई है। पास्ट में हमने देखा कि बड़े अच्छे अच्छे प्लेयर्स थे, लेकिन इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेज आपको नज़र आती थी, लेकिन एज अ टीम आपको परफॉर्मेंस नज़र नहीं आती थी। तो ये कंप्लीट एक टीम इंडियन नज़र आई है हमें, चाहे वो आप बैटिंग की बात करें, चाहे वो बॉलिंग की बात करें, कंप्लीट एक यूनिट नज़र आया है। और सबसे बढ़ के जो चीज़ नज़र आई कि देवर वेरी कॉन्फिडेंट कि टूर पर जाने से पहले ही वो कॉन्फिडेंट थे कि वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाके ऑस्ट्रेलिया को हरा सकते हैं, और एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ है। तो सबसे जो बड़ी चेंज नज़र आई है, जो एक तो कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा हाई है इस टीम का, उसके साथ साथ हम देखते हैं कि एग्रेशन कि जिस ब्रांड की ये क्रिकेट खेल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाके या किसी भी ऐसे मुल्क में जहाँ पे मुश्किल कंडीशंस होती हैं एशियन टीमों के लिए, चाहे वो इंग्लैंड है, चाहे वो आप साउथ अफ्रीका की बात करते हैं, कि आपको एग्रेसिव क्रिकेट खेलनी होती है। पास में जितनी एशियन टीमें वहाँ जाती थी थोड़ा सा डिफेंसिव क्रिकेट खेलती थी, जिसकी वजह से रिजल्ट्स प्रोड्यूस नहीं वो कर पाती थी, लेकिन इस दफ़ा इंडियन टीम ने चाहे वो बॉलिंग हो चाहे वो बैटिंग हो एग्रेशन शो की है। ओवरऑल एज ए टीम अगर आप देखते हैं एग्रेसिव क्रिकेट उन्होंने खेली है, जिसकी वजह से उनको कामयाबी मिली है। साथ साथ टीम वर्क इसमें काफ़ी ज़्यादा आपको नज़र आया है कि पार्टनरशिप्स आपको बैटिंग के अंदर, बॉलिंग के अंदर, वो जो टीम की एक यूनिटी होती है ऑन द फील्ड आपको विजिबल थी। आप टीवी के ऊपर मैच देख रहे हैं, आपको लग रहा था कि एक टीम लड़के खेल रहे हैं और एक ही कॉज के लिए खेल रहे हैं, अपने मुल्क के लिए खेल रहे हैं, अपनी टीम के लिए खेल रहे हैं। बाकी चीज़ें अगर हम देखते हैं, जो पास में शायद ये चीज़ों की कमी नज़र आती थी कि रोल्स क्लियर थे टीम के अंदर, जितने भी प्लेयर्स उनको एग्जैक्टली अपने अपने रोल का पता था, चाहे वो उनके बैट्समैन थे, चाहे वो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन थे, टॉप ऑर्डर बैट्समैन थे, या इवन के जो निचले नंबर के बैट्समैन हैं उनके, जो उसके बाद बॉलर्स आ जाते हैं, उनको एग्जैक्टली पता था कि टीम के अंदर उनका रोल क्या है। आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर हम इसको थोड़ा सा कंपेयर करें पाकिस्तान टीम के साथ, तो वहाँ पर कन्फ्यूजन नज़र आ रही है, किसी को समझ नहीं आ रही कि टीम के अंदर उनका रोल क्या है। तो इंडियन टीम को अगर हम देखते हैं तो एग्जैक्टली दे न्यू कि किस किस का क्या क्या रोल है। उसके बाद अगर हम देखते हैं सिलेक्शन पे, अगर हम आते हैं, ठीक है, हमारे अक्सर डिबेट होती है कि जी सिलेक्शन ठीक नहीं होती है, विच इज़ अ मेजर फैक्टर। टीम की परफॉर्मेंस तभी बेहतर होगी जब आपकी सिलेक्शन बेहतर होगी, बेस्ट प्लेयर्स आप भेजेंगे तभी आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। तो यहाँ पे क्रेडिट देना होगा इंडियन सेलेक्टर्स को भी कि जिस तरह की टीम उन्होंने बनाई है कि T20 से उठा के प्लेयर उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में नहीं डाले हैं, उन्होंने फर्स्ट क्लास के परफॉर्मर्स को ही, स्पेशली बैटिंग के अंदर अगर हम देखते हैं कि जो भी उनके बैट्समैन आ रहे हैं, ठीक है, टेक्निकली दे आर वेरी करेक्ट, वो एक ट्रेंड ही चल चुका है कि इंडियन बैट्समैन जितने भी आ रहे हैं, लेकिन उसका क्रेडिट आपको डोमेस्टिक क्रिकेट को उनकी देना होगा, और साथ साथ उनके सेलेक्टर्स को देना होगा कि जब उनको पता है कि व्हाट इज़ द राइट टाइम, कि किस टाइम पे ये बैट्समैन स्पेशली रेडी है, जब उसने 6, 8, 10 सो किए होते हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, उसको बैटिंग का आर्ट आता है, सो करने का आर्ट आता है, उसके बाद वो टेस्ट टीम के अंदर आता है, जिसकी वजह से कॉन्फिडेंस लेवल ऑटोमेटिकली उनका हाई होता है कि यू नो उन्होंने ये चीज़ें पहले की हुई होती हैं, उनके लिए कोई नई चीज़ नहीं होती है। ठीक है, डिफरेंट प्रेशर होता है, डिफरेंट कंडीशन होती हैं, लेकिन लंबे रन्स करना, सेशन टू सेशन खेलना, ये चीज़ें वो सीख के आते हैं। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो प्लानिंग, ज़बरदस्त प्लानिंग हमें नज़र आई है उनकी थ्रू आउट द टूर, कि किस तरह उन्होंने चीज़ों को प्लान किया हुआ था, क्या उनकी अप्रोच होगी, किस तरह की क्रिकेट उन्होंने खेलनी है। उसके बाद प्लेइंग 11 की अगर हम बात करते हैं, तो प्लानिंग का सबसे बड़ा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है कि प्लेइंग 11 आपने मैच के अंदर क्या खिलानी है, तो वहाँ पे भी वो स्पॉट ऑन रहे हैं, जहाँ पे दो स्पिनर्स जरूरत पड़ी उन्होंने दो स्पिनर्स खिलाए हैं, जहाँ पे 4 फास्ट बॉलर की जरूरत नज़र आई 4 फास्ट बॉलर भी खिलाने को गए वो। तो टीम सिलेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये अब जो रिजल्ट सामने आ रहे हैं इंडियन क्रिकेट के, ये एकदम से ओवरनाइट चेंज नहीं आई है, ये लॉन्ग टर्म उनकी प्लानिंग थी जिसके असरात आपको अब नज़र आने शुरू हुए हैं। टफ डिसीजन भी उन्होंने लिए हैं कि सिलेक्शन के अंदर हम बात करते हैं, ठीक है, परफॉर्मेंस बेस्ड स्पोर्ट्स है इसके अंदर, लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा सा कल्चर ये है कि थोड़ा सा जब नाम बन जाता है तो हम उसको थोड़ा ड्रैग करते हैं, परफॉर्मेंस ना भी हो तो उस प्लेयर को हम ड्रैग करने की कोशिश करते हैं, लंबा खिलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इन टीम ने रिसेंट पास में आपने देखे तो बड़े बड़े सीन उन्होंने लिए हैं, बड़े बड़े स्पेशली अगर बैटिंग की अगर बात करते हैं, शेखर धवन है या इवन रायना, युवराज, ये ऐसे प्लेयर थे जिनको बहुत बड़े नाम थे, लेकिन जब टीम मैनेजमेंट ने, सिलेक्शन कमेटी ने समझा कि टीम को उनकी ज़रूरत नहीं है, हमारे पास बेहतर ऑप्शन है, तो वो नए लड़कों पे गए हैं, जिसकी वजह से आप उनके अगर आप टीम में देखते हैं तो एक से एक प्लेयर अच्छा आ रहा है और हेल्दी कंपटीशन नज़र आ रहा है। उसके साथ साथ हमने देखा है कि जो ओवरऑल टैक्टिक्स हैं टीम के, कि ऑब्वियसली उसमें कैप्टन का रोल भी आ जाता है, लेकिन इंडिविजुअली भी हम देखते हैं बॉलर्स की जानब से भी, बैट्समैन की जानब से भी, कि टैक्टिकली दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, कि उनको पता है किस टाइम पे हमने कौन सा टैक्टिक यूज़ करना है। फील्ड प्लेसमेंट की अगर आप बात करते हैं, बैटिंग के अंदर माने एडजस्टमेंट्स हैं, किस अप्रोच के साथ खेलना है,
बॉलर्स का अगर हम देखते हैं वो भी टेक्टिकली उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की है, राइट एरिया में तो बॉल किए ही किए हैं, लेकिन वर्कआउट किया हुआ था कि कौन से बैट्समैन हैं, इनको किस जगह पे ये वीक हैं, कौन से इनके स्ट्रॉन्ग जोन हैं, तो टैक्टिक्स भी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो एक यूनिटी नज़र आती है कि ये अपने मुल्क के लिए खेल रहे हैं, मुल्क की प्राइड के लिए खेल रहे हैं, तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मैटर करते हैं। पास में भी टीमें ट्राई तो इंडियन टीमें जब भी टूर पर जाती थी ट्राई तो वो पहले भी करती थी, लेकिन स्किल के साथ साथ फिर टेक्निकली टैक्टिकली जब ये सारी चीज़ों का कम्बिनेशन आपको हो जाता है तो अब इसी रिजल्ट इस तरह के भी आते हैं। लेकिन यहाँ पे अक्सर लोग ये भी बात करते हैं शायद इंडियन जो ऑस्ट्रेलियन टीम है इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी, लेकिन अपने घर के अंदर तो सारी टीमें ही स्ट्रॉन्ग होती हैं। अगर हम पाकिस्तान टीम को अक्सर लोग कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं जी कि साउथ अफ्रीका जो कंडीशन है मुश्किल हैं, ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो कंडीशन मिली हैं इंडियन टीम को वो बेहतर कंडीशन उनको मिली हैं स्पेशली बैटिंग के लिए, तो ठीक है आई डू एग्री। लेकिन क्वेश्चन इस पे ये आता है कि अगर यही इंडियन टीम में भी अगर साउथ अफ्रीका इन कंडीशंस के अंदर अगेंस्ट साउथ अफ्रीका खेलती तो शायद ये रिजल्ट्स उनको ना मिलते, साउथ अफ्रीकन टीम मैचेस जीत लेती ज़्यादा इनसे। लेकिन क्वेश्चन ये है कि अगर ये पाकिस्तान टीम इन्हीं कंडीशंस के अंदर इसी ऑस्ट्रेलियन टीम के अगेंस्ट खेल रही होती तो क्या ये जीत सकती थी वहाँ पे, तो शायद इसका जवाब आपको नहीं में मिलेगा। लेकिन यहाँ पर इंडियन टीम को क्रेडिट देना होगा कि उन्होंने हिस्ट्री क्रिएट की है कि आज से पहले कोई ये मार्का नहीं वहाँ पे जाके मार सका है, तो ज़बरदस्त क्रेडिट देना होगा कि यू नो बड़ा ज़बरदस्त कम्बिनेशन एक बना हुआ है यंग और एक्सपीरियंस प्लेयर्स का। आपने यूनिटी टीम वर्क और एग्रेशन की बात की, तो ये जो कल्चर चेंज हुआ इंडियन टीम के अंदर इसमें कोहली की लीडरशिप का कितना रोल है? देखिए हमेशा जो भी चेंज आती है या कल्चर डेवलप होता है या कोई भी नई चीज़ आप डेवलप करने की कोशिश करते हैं इट हैज़ टू स्टार्ट फ्रॉम द टॉप, तो टॉप पे उनके कैप्टन ही आते हैं और ज़बरदस्त कोहली की परफॉर्मेंस अगर आप देखते हैं ये चीज़ एक और मतलब एक्स्ट्रा एडेड तो खैर मैं नहीं बोलूँगा इसको, लेकिन मैं कहूँगा कि ज़रूरी है शायद ये चीज़ कि जब आपका कैप्टन परफॉर्मर होगा इतना बड़ा उसका नाम होगा तो बाकी प्लेयर्स ऑटोमेटिकली उसके पीछे चलते हैं। और एग्रेशन की जो मैंने बात की आई थिंक उसमें कोहली का बहुत ज़्यादा रोल है, उस पर अननेसेसरली मेरे ख्याल में क्रिटिसाइज भी हो रहा है जी कि वो एग्रेशन शो करता है, लेकिन वो टीम के लिए कर रहा है और उसी ब्रांड के क्रिकेट वो खेल रहा है और अपने लड़कों को खिलाना चाह रहा है जिसका वो खुद यूज टू है। जितना ज़्यादा वो फाइटर है वो चाहता है कि उसके प्लेयर्स भी इसी तरह फाइट करें, और आई थिंक कोहली का बहुत ज़्यादा रोल है उसकी लीडरशिप क्वालिटीज। एक तो टैक्टिकली इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, फील्ड प्लेसमेंट अगर हम देख लेते हैं, बॉलिंग चेंजेस अगर हम देख लेते हैं, बैटिंग ऑर्डर हम देख लेते हैं, तो उसके अंदर भी उसका काफ़ी एक से नज़र आती है। लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट जब आपका लीडर इतना बड़ा परफॉर्मर होगा, इतना वो जिस तरीके से हैंडल कर रहा है चीज़ों को, सारा प्रेशर वो अपने ऊपर ले रहा है, तो बाकी टीम के लिए चीज़ें उतनी आसान हो जाती हैं। लेकिन ओवरऑल लीडरशिप की अगर आपने बात की है तो आई थिंक मेजर रोल है उसमें, और उसमें क्रेडिट काफ़ी ज़्यादा जाता है विराट कोहली को। इंडियन बैटिंग हमेशा से हमने देखा है बहुत अच्छा परफॉर्म करती आ रही है, लेकिन नतीजे कभी नहीं दिए थे उसने। ये इंडियन बैटिंग लाइनअप रन भी कर रही है और मैच भी जीत रही है, इसकी क्या खास बात है? देखिए एक तो टेक्निकली मच बेटर मैं कहूँगा कि पास में होता था कि एक दो प्लेयर्स इंडियन के होते थे पूरी बैटिंग लाइनअप के अंदर कि वो टेक्निकली स्ट्रांग होते थे, लेकिन अब ये पूरी आप बैटिंग लाइनअप उठा के आप देख लें टेक्निकली दे ऑल वेरी करेक्ट बैट्समैन, रन्स करने सबको आते हैं डोमेस्टिक में, रन्स करके गए हैं नए प्लेयर्स भी जो उनके आ रहे हैं। उसके बाद आता है अप्रोच, उनकी अप्रोच वेरी क्लियर कि उन्होंने करना क्या है, वही फिर बात आ जाती है कि उनका गेम प्लान उनको पता है एग्जैक्टली कि हमने कैसे रन्स करने हैं, किस बॉलर को सर्वाइव करना है, किसके ऊपर रन्स करने हैं, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। बैट्समैन को जब ये पता चल जाए कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है और उसकी वीकनेसेस क्या है तो आपकी क्रिकेट वैसे ही ईजी हो जाती है। लेकिन ये बैटिंग लाइन अगर हम देखते हैं तो आई थिंक इनको एग्जैक्टली पता है कि कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पे इन्होंने रन्स करने हैं। पुजारा की अगर हम बात करते हैं उसको अपने एरियाज़ का पता है कि यहाँ पे बॉल आएगा तो मेरे रन्स करने हैं, वहाँ पे बॉल होगा तो वो मेरा एरिया नहीं है, नो गो एरिया वो मेरे लिए। लेकिन जब वो सेट हो जाता है उसके बाद वो हर तरफ रन्स करता है। लेकिन अर्ली ऑन अगर आप देखते हैं ये जितने भी बैट्समैन हैं कि अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर खेलते हैं, अपनी वीकनेसेस को वहाँ पे काबू करने की कोशिश करते हैं, और सबसे बढ़ के ये कि जब इनको अच्छा स्टार्ट मिलता है तो इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं बड़े स्कोर के अंदर। उसके बाद बॉलर टारगेट कर लेते हैं कि आज के दिन इस कंडीशंस के अंदर कौन सा ऐसा बॉलर है जो हमें ज़्यादा रन दे सकता है, कौन सा ऐसा बॉलर है जो ज़्यादा तंग करेगा, उसको हमें सर्वाइव करना है। उसके अलावा जो बैटिंग एक चीज़ नज़र आ रही है कि वो कहते हैं ना कि बैट्समैन ही लव्स टू बैट, ठीक है ना, ये तो टर्म्स यूज़ होती है, आई थिंक ऑल द बैट्समैन दे लव बैटिंग, लेकिन एक जो चीज़ डिफरेंस नज़र आता है कि दे लव टू बैट आउट इन द मिडल। अगर हम इंडियन बैट्समैनों की बात करते हैं कि दे लव टू बैट आउट इन द मिडल, ये नहीं कि सिर्फ बैटिंग से लव है और बाहर बस ठक ठक वो करते हैं, अंदर जाके सही जो अपनी क्लास शो करते हैं उनके ऊपर ये चीज़ सही अप्लाई होती है कि दे लव टू बैट,
सेशन बाय सेशन खेलते हैं, पुजारा की हम बात करते हैं, बाकी उनके बैट्समैनों की बात करते हैं कि वो अंदर रहना चाहते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज कॉन्फिडेंस लेवल आपको नज़र आ रहा होता है कि जब वो क्रीज के ऊपर जाए द वे दे वॉक द वे दे बैट आपको पता चल रहा होता है कि यार ये इतनी जल्दी आउट होने वाला नहीं है, कॉन्फिडेंस लेवल हाई है इसका, कंफर्टेबल नज़र आ रहा है। थोड़ा सा अगर हम बाकी बैट्समैनों को देखते हैं या अपने बैट्समैनों पाकिस्तानियों को देखते हैं, थोड़ा सा बॉडी लैंग्वेज भी आपको ग्रेवी नज़र आती है, यू नो कॉन्फिडेंस लेवल आपको लो नज़र आता है, आपको लग रहा होता है कि शायद ये किसी भी बॉल के ऊपर ये आउट हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ों का कम्बिनेशन है। और एक पास्ट में आपने एक चीज़ जो नोट की होगी कि इंडियन बैट्समैन मोस्ट ऑफ देम इन द पास्ट दे स्ट्रगल अगेंस्ट द पेस बॉलिंग, जहाँ पे कुछ जेन्युइन फास्ट बॉलर तेज़ आ जाता था उनके बैट्समैनों को प्रॉब्लम होती थी, लेकिन वो भी जो बड़ा प्रॉब्लम था उसको भी इजीली उन्होंने ओवरकम कर लिया है। आपके कोई भी बैट्समैन इनका है, ऑस्ट्रेलियन बॉलर अब स्लो तो नहीं थे, ठीक ठाक तेज़ बॉलर थे, उनमें मिचेल स्टार्क भी था उसमें जो तेज़ बॉलिंग भी करता है, एग्रेसिव बॉलिंग करता है, लेकिन प्रॉब्लम नहीं है हमारे इनके बैट्समैनों को, इंडियन बैट्समैनों को, तो वो फैक्टर भी इन्होंने माइनस कर दिया है। तो ओवरऑल अगर देखते हैं तो कंप्लीट बैटिंग यूनिट आपको नजर आ रहा होता है। हमने पास्ट में देखा है कि इंडियन बॉलिंग हमेशा इंडियन टीम के लिए कमज़ोर लिंक रही है, लेकिन इस बार इंडियन बॉलिंग ने भी ज़बरदस्त परफॉर्म किया, चाहे वो फास्ट बॉलर्स हों चाहे वो स्पिनर्स हों, इसको कैसे आप देखते हैं ये जो तब लेकिन दैट इज़ अ मेजर फैक्टर। बैटिंग में तो पहले भी आपको बड़े बड़े रन नज़र आए होंगे इंडियन बैट्समैनों की जानिब से, लेकिन वो रिजल्ट्स इसलिए नहीं आते थे कि उनसे बाकी टीमें आउट नहीं होती थी, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाके या इवन इंग्लैंड के अंदर जाके, कि बैटिंग में कुछ अच्छी परफॉर्मेंसेज आपको नज़र आती थी लेकिन बॉलिंग में आउट करने में वो स्ट्रगल करते थे। तो ये सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस है। ठीक है उनकी बैटिंग ने ज़बरदस्त परफॉर्म किया है, लेकिन अगर ये सीरीज ये जीती है तो मैं इसमें कहूँगा कि 70% जो कमाल है वो उनके बॉलर्स का है, जिन्होंने 20 विकेटें ली हैं, उनको टेस्ट मैचेस जिताए हैं। तो बॉलिंग में अगर हम देखते हैं, एक तो काफ़ी ज़्यादा आपको डिसिप्लिन नज़र आ रहा है, पेस क्वेश्चन मार्क हमेशा आता था, इंडियन के पास फास्ट बॉलर्स नहीं है, लॉन्ग टर्म उन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी, लॉन्ग अगो अकेडमी अपनी बनाई थी, बड़े बड़े उसमें कोचेज लेके आए, लेजेंड्स को लेके आए, ऑस्ट्रेलियंस को डेनिस लिली आप ले लें, मैग्रा अभी तक वहाँ काम करें, तो उसके रिजल्ट्स आपको अब नज़र आ रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता अगर आप देखते हैं तो उनके फास्ट बॉलर्स अच्छे 140 प्लस वाले नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से उनको ये कामयाबी मिली है। ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस के अंदर पेस डज मैटर, कहीं भी पेस मैटर करती है लेकिन ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस के अंदर बहुत ज़्यादा मैटर करती है। उसके बाद एक्यूरेसी, उनको मैं क्रेडिट दूंगा उनके बॉलिंग कोच को भी कि जिस तरह की प्लानिंग उसने की हुई थी, वर्कआउट किया हुआ था कि कौन सा बैट्समैन है, किसको कहाँ पर बॉलिंग करनी है, उसके बाद बॉलरों ने जैसे डिलीवर किया है कि एक्यूरेसी के साथ नए बॉल को अगर हम देखते हैं, सीम पोजिशन उनकी देख लें, स्विंग देख लें, उसके बाद रिवर्स स्विंग जो कि हमारा आर्ट था, अगर आप वो देखें इंडियन बॉलर्स ने भी उसको ज़बरदस्त तरीके से इस्तेमाल किया। और सबसे जो बढ़ के चीज़ जो नज़र आई है एग्रेशन, जो कि हमेशा से इंडियन बॉलिंग के अंदर मिसिंग नज़र आई थी कि वो एग्रेशन नज़र नहीं आती थी, लेकिन अब उनके फास्ट बॉलर्स के अंदर वो बॉडी लैंग्वेज उनकी आप देख लें, बॉलिंग देख लें, आपको एग्रेशन नज़र आती है। तो काफ़ी आपको कामयाबी बैट्समैनों के अगेंस्ट तो वैसे ही मिल जाते हैं जब आप एग्रेसिव बॉलिंग कर रहे हो, उसके साथ एक्यूरेसी भी हो आपके पास और आपको एग्जैक्टली पता है कि किस प्लान के तहत आपने बॉलिंग करनी है, तो आपको विकटें मिलती हैं। तो ओवरऑल सारा क्रेडिट मैं दूंगा, बल्कि ज़्यादा क्रेडिट मैं दूंगा कि बॉलिंग लाइन आपको जिसकी वजह से इंडिया ये सीरीज़ जीतने में कामयाब हुआ है। और स्पिनर्स तो हमेशा से इंडिया के पास अच्छे स्पिनर्स रहे हैं, लेकिन आई थिंक दे आर ब्लेस्ड कि उनके पास वर्ल्ड क्लास इस टाइम बॉलर्स मौजूद हैं, चाहे वो उनके लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं जडेजा हैं, उसके बाद अश्विन है, और उसके बाद अगेन मैंने पहले बात की थी कि टैक्टिक्स उसके साथ साथ राइट टीम सिलेक्शन की, कि जैसे वो अपने चाइनामैन बॉलर को उनका क्या नाम है कुलदीप यादव को जिस तरह उन्होंने खिलाया, जिस तरह उन्होंने भी आउट किए हैं, तो दैट मींस कि उनकी जो थिंकिंग थी बिल्कुल राइट थी, स्पॉट ऑन थी, प्लानिंग थी कि रेस्ट स्पिनर है, अलग वो इजी T20 से चाहते तो लेग स्पिनर काफ़ी है उनके पास जो T20 में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, हमारी तरह वो भी उठा के वहाँ से किसी को टेस्ट मैच खिला देते हैं, लेकिन दे पिक द राइट मैन कि उन कंडीशंस के अंदर इन बैट्समैनों के अगेंस्ट कौन सा बॉलर ज़्यादा इफेक्टिव होगा। तो ओवरऑल क्रेडिट देना होगा कि जिस तरह की प्लानिंग की है, चाहे उनके सिलेक्टर से या उसके बाद टीम मैनेजमेंट थी, चाहे उसके बाद कैप्टन था कि मैचेस कैसे खिलाएं, तो ओवरऑल देखता हूँ तो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही है इंडियन टीम की। अब उनके लिए जो नेक्स्ट स्टेप यही होगा कि आया वो कंटिन्यू रखते हैं इस परफॉर्मेंस को या सिर्फ 1-2 ओवर तक ही ये महदूद रहती है।